मिलन हुआ सनकादिक भगवान का और नारद जी का बद्रिकाश्रम में, वो कथा हुई सुखतीर्थ में। हाँ, ये कथा भी सुखतीर्थ में, बद्रिकाश्रम में नहीं हुई, हरिद्वार में भी नहीं हुई। बहुत से लोग कहते हरिद्वार में कथा नहीं हुई, क्यों? मूल में क्या लिखा है ध्यान दें, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, मूल में लिखा है। तो गंगा द्वार में होती तो गंगा द्वारे कहते, गंगा द्वार समीपे नहीं कहते। गंगा द्वार माने हरिद्वार, तो हरिद्वार के समीप में बोले ऋषिकेश, ऋषिकेश में कथा, बोले ऋषिकेश में भी नहीं हुई, क्योंकि नाना तरुलता कीर्णम नवकोमल बालुकम, वहां पहाड़ नहीं, वहां पत्थर नहीं, सुंदर गंगा जी की रेती है, सघन वन है, गंगा जी में कोई शब्द नहीं है। तो ये जो लक्षण है वो ऋषिकेश के नहीं है, ये सुखतीर्थ के लक्षण है, जहाँ नाना तरुलता कीर्णम। और उस पुराणों के अनुसार माता जी, सुखतीर्थ के जो वन हैं उनको आनंद वन कहा गया, तटमानंद नामकम, गंगा जी के उस तट का नाम आनंद तट है। यद्यपि वर्तमान समय में श्री गंगा जी की धारा दूर चली गई है, एक दूसरी नदी की धारा है वो सुखताल में होकर के निकलती और आगे जाकर गंगा जी में मिल जाती है। अभी सुखताल के संत बहुत प्रयास में लगे हुए हैं कि गंगा जी की मुख्य धारा सुखताल में आनी चाहिए, क्यों? पहले वहाँ प्रवाहित होती थी। वर्तमान में प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं, संत स्वरूप में हैं, उनसे संत समाज को बहुत आशा है, हम भी संतों की भावना के साथ खड़े हैं, श्री योगी जी को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सुखतीर्थ की गरिमा महिमा को बचाने के लिए गंगा जी की मुख्य धारा से एक धारा कम से कम उस नदी में आकर के साथ होकर प्रवाहित हो, जिससे सुखतीर्थ में गंगा जी का दर्शन बना रहे, इसकी आवश्यकता है। शासक ही तो तीर्थों के तीर्थत्व को बचाएगा, और कौन बचाएगा? और योगी जी और मोदी जी के समय में सुखतीर्थ में गंगा जी नहीं आई, तो फिर किसके समय में गंगा जी सुखतीर्थ में आवेंगी? इसलिए इसी पंचवर्षीय में हम व्यासपीठ से आग्रह करते हैं कि इसी पंचवर्षीय में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कम से कम सुखताल का ये काम तो जरूर कर देना चाहिए कि गंगा जी की मुख्य धारा सुखतीर्थ में आवे। श्री सीताराम, प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।